हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इनसाइक्लोपीडिया है और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिविल वॉर के बारे में। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सिविल वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ और रेड कौन थे, वाइट कौन थे। ये सभी डाउट आपके इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे और एक फुल चैप्टर का वीडियो भी डाला गया है इस चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने सिविल वॉर के साथ साथ पूरा जो चैप्टर है रशियन रेवोल्यूशन उसको भी क्लियर किया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से 1917 में जब लेनिन राज करने लग गए रशिया पर, तब क्या हुआ कि वहां पर दो टाइप के सोच वाले लोग आने लग गए, यानी कि रशिया दो टाइप में बट गया। कुछ लोग ये थे जो सोचते थे कि लेनिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और लेनिन का विरोध करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो लेनिन का समर्थन करते थे और कहते थे कि लेनिन रशिया के लिए बहुत अच्छे हैं। सो इसी खींचतान के बीच आ गया 1918 और उसी वक्त आ गए केरेंस्की भी। सो केरेंस्की अक्टूबर रेवोल्यूशन के टाइम पर विदेशों में जाकर पावर गेन करने चले गए थे, यानी कि वो कुल मिला के पावर गेन कर रहे थे, जिससे वो आकर फिर से लेनिन को हराए और फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। फिर इसके बाद जैसे ही केरेंस्की वापस आए, रशिया टू टाइप्स में बट गया, रेड और वाइट्स। रेड में आ गए MRC मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के लोग, या फिर सोवियत और बोल्शेविक मिलिटिया के लोग आ गए रेड्स में, और कॉमन पीपल भी, यानी कि रेड के तरफ थे लेनिन। सो ये जो रेड वाले हैं वो सब लेनिन के ग्रुप थे। इसके बाद वाइट्स में थे रिच नोबल्स, रिच पीपल यानी कि अमीरजादे लोग, पैसे वाले लोग, नोबल्स यानी कि रॉयल्टी फैमिली में बिलोंग करने वाले लोग, और कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, यूके और यूएसए। सो सिविल वॉर को रेड वर्सेस वाइट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर फ्रांस, यूके और यूएसए वाइट के तरफ क्यों थी, यानी कि केरेंस्की के तरफ क्यों थी। ये सब केरेंस्की का सपोर्ट इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि लेनिन के आने के बाद से रशिया ने वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लिया था, यानी कि रशिया वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गई थी और ये चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू हो। इसी वजह से ये जरूरी था कि रशिया भी इनका सपोर्ट करे। सो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए वर्ल्ड वॉर वन को जारी रखना चाह रहे थे, लेकिन लेनिन ने आकर रशिया को वर्ल्ड वॉर से बाहर कर दिया। लेनिन के आने के बाद से कॉमिंटर्न की भी व्यवस्था शुरू होने लग गई। कॉमिंटर्न मतलब द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मतलब कैपिटल वाली पद्धति से दूर होना, लोगों को हिस्सा देना, प्रॉफिट देना, शेयर्स देना और लोगों को वैल्यू देना। क्योंकि पहले के टाइम पर जब राजा एम्परर्स होते थे तो वो लोगों को उतना वैल्यू नहीं देते थे। कॉमिंटर्न को अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो लोकतंत्र, यानी कि रूलिंग में लोगों की भी कुछ वैल्यू हो, उसे ही हम लोग कॉमिंटर्न कहेंगे। सो कई सालों तक ये युद्ध चला, आखिर में रेड्स जीते, लेनिन जीते। सो चार साल तक ये युद्ध चला था और 1918 to 1922 के पीरियड को सिविल वॉर भी कहा जाता है। तो इसके बाद फिर से रशिया के लीडर हो गए लेनिन, और लेनिन ने रशिया का नाम बदलकर USSR रख दिया, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो यही सब हुआ अभी तक। सो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टालिन के बारे में।